हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं आपके एमपी वर्ग दो चयन परीक्षा को लेकर के, कि जो आपकी चयन परीक्षा जो यहाँ पर शेड्यूल आया हुआ है या जो पहले शेड्यूल आया हुआ था आपका, उसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर आपकी जो तिथि बताई गई थी, मतलब यहाँ पर जो माह बताया गया था वो अगस्त था, तो क्या यहाँ पर अगस्त माह में आपकी परीक्षा हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आप सभी को पता है किसी भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट होने से 45 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा वन मिनट देखना, यहाँ ESV शेड्यूल के अनुसार जुलाई में परीक्षाएं कराना होगा मुश्किल। अब देखिए यहाँ पर तैयारी में 1.5 माह लगेगा, अगस्त में भी भर्ती परीक्षाएं कराना मुश्किल। तो वैसे तो जुलाई में अभी आपकी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि कोई परीक्षा जुलाई में आयोजित होनी होती तो आपका जो नोटिफिकेशन होता है वो आपका बहुत पहले, मतलब लगभग 45 दिन पहले ही आ जाता है। तो आज आपकी जो है 7 जुलाई हो गई है, ठीक है, अभी तक आपके वर्ग दो मेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। और यदि आपका ये नोटिफिकेशन 10 तारीख या 15 तारीख तक आ जाता है, तो अब आप मान के चलना कि आपकी जो परीक्षा है उसमें इन्होंने कहा है कि जो आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाती हैं आपकी एजेंसियां, वो यहां पर 1.5 माह का समय लेंगी, ठीक है। तो यहां पर मान के चलिए 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आता है, तो 15 से 15 जुलाई मतलब 45 दिन पहले, तो इसमें आप ये ऐड करिएगा तो ये तो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं अगस्त, ठीक है। तो ये हो गए आपके 1 महीना, ठीक है, लगभग लास्ट अगस्त तक आपकी परीक्षा होने की यहाँ पर संभावना है। और यदि 15 तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बिल्कुल आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त में नहीं हो पाएगी, फिर आपके सितंबर में परीक्षा आयोजित होगी। अब आपने अभी देखा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने बीते दिनों वर्ष 2024 का एग्ज़ाम शेड्यूल को अपडेट कर दिया है और दोबारा से जारी किया है। इस शेड्यूल में प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि अपने आप में अगले नए सत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट शामिल होंगे, ठीक है। इसके अलावा समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 और अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, इसके बाद आपकी महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये परीक्षा आयोजित होनी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी जो परीक्षा है वर्ग दो चयन परीक्षा, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो है आपकी अगस्त महीने में, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एक बार। ESV ने अगले माह अगस्त में भी दो परीक्षाएं प्रस्तावित करी हैं, इनमें एक तो है आपकी समूह 3 उपयंत्री और एक अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा, और एक है आपकी माध्यमिक शिक्षक की जो विषय परीक्षा है, विषय शिक्षक की, और प्राथमिक शिक्षक में आपके खेल गायन वादन और नृत्य शामिल हैं। अगस्त में इनके आयोजन होने की भी संभावनाएं कम हैं, क्योंकि यदि आपका नोटिफिकेशन 10 से 15 जुलाई के बीच में आ जाता है तो लास्ट अगस्त तक आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, और यदि इस बीच आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपकी जो परीक्षा है वो सितंबर में, आपके फर्स्ट वीक तो नहीं कहेंगे, सेकेंड या आपके लास्ट सितंबर तक ही हो पाएंगी। फिर आप कहेंगे कि सितंबर में तो आपकी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की इन्होंने जो है समय दिया हुआ है, तो आपको बता दें ये भी डिले होगी, क्योंकि जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा है ये बहुत बड़े लेवल की परीक्षा होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, लगभग 10 लाख मान करके चलना, इसमें शामिल होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका BEd भी है और DEd भी है, मतलब वो आपके यहाँ पर तीनों वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं और वो यहाँ फॉर्म फिल करते। इसके अलावा अदर राज्य के भी अभ्यर्थी, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी वर्ग 3 में फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचना, अभी जब वर्ग 3 हुआ था, अभी तो एक ही परीक्षा होती थी, ये पहली बार आपके वर्ग 3 की चयन परीक्षा होनी, सॉरी, पात्रता परीक्षा होनी है, तो आप देखना कि मतलब पुराने अभ्यर्थी तो हैं ही, साथ ही कितने ज़्यादा नए अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा होगी, और ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग 3 की जो परीक्षा है वो बहुत लंबे समय तक चलेगी, जबकि वर्ग 2 की जो परीक्षा रहेगी चयन परीक्षा, ये
आपके मतलब इसमें क्या है कि जितने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं मतलब पात्रता परीक्षा पास हैं वही यहाँ पर शामिल होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा की अपेक्षा यहाँ बहुत कम अभ्यर्थी होंगे, तो ये बहुत जल्द आपकी जो है क्लियर लगभग 10 से 12 दिन के बीच में हो जाएगी, क्योंकि एक एक दो दो शिफ्ट में आपके मतलब यहाँ सब्जेक्ट होते हैं तो इसकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से आपके वर्ग एक की हुई थी, वर्ग एक में तो बहुत ही कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे मतलब पात्रता परीक्षा में, तो उसी तरीके से तो इन्होंने अभी तक इसका जो है इन्होंने ये तो बता दिया कि जो आपकी जो शेड्यूल आया हुआ है कि आपकी जो चयन परीक्षा है वो अगस्त में होनी, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं कम दिख रही हैं क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और नोटिफिकेशन का रहता है 45 दिन पहले, और इससे पहले भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और इन्होंने मात्र आपका मंथ दिया हुआ था कि अगस्त में, लेकिन तिथि या तारीख घोषित नहीं करी थी। यदि अगस्त में ही परीक्षाएँ करानी हैं तो अगले 10 दिन के अंदर आवेदन बुलाने के लिए विज्ञापन जारी करना होगा। मतलब यदि अगस्त में आपकी परीक्षा होगी तो आपका 10 दिन के अंदर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके फॉर्म फिल होने लग जाएंगे। इन भर्ती परीक्षा के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी कर देता तो सितंबर में इनका आयोजन हो सकेगा। तो आपको बता दें कि आपका जो नोटिफिकेशन है यदि 10 दिन के अंदर नहीं आता है तो आपकी परीक्षा सितंबर में होगी। आपको अब ये नहीं मानना कि अपनी तैयारी को बंद कर दें कि डेट बढ़ेगी, तैयारी बंद बिल्कुल नहीं करनी है। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपके लिए कम से कम 15 से 20 दिन अधिक समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। और फिर आपकी जो है रेगुलर यहाँ पर परीक्षाएँ होने वाली हैं, तो यहाँ पर अगस्त में आपकी एक और परीक्षा होनी है समूह 3 की और आपके वर्ग 2 की। तो ये परीक्षाएं जैसे ही ख़त्म होंगी इसके बाद आपकी जो है क्या बोलते वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित होनी है, तो वो भी डिले होगी, तो सितंबर से अक्टूबर तक हो पाएगी, ठीक है। पूरा अक्टूबर या फिर आपका अक्टूबर में ये वर्ग 3 की परीक्षा हो जाएगी, फिर आपकी जो है महिला पर्यवेक्षक की। तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, यहाँ पर रेगुलर तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ए डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आपके पास में आपको बता दें अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि नोटिफिकेशन ना आने से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिलेबस के मतलब सिलेबस ही नहीं देख पा रहे कि क्या हमें पढ़ना है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आपको बता दें यहाँ मेन सब्जेक्ट बस आपका आना है, तो फिलहाल तो आप पात्रता परीक्षा से अच्छा सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें जो सिलेबस दिया गया था अपने मेन सब्जेक्ट का, उसको उठाइए, उसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं सारे आप उनको कवर कर लें, और फिर जब आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा तो उसमें आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक अतिरिक्त दिया गया है, फिर आप उस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप इसी के इंतजार में हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत पहले लगभग पिछली बार जब वर्ग 2 हुआ था जब एक ही एग्जाम होता था तब से लेकर अभी तक वो कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कि मतलब उनका लेवल और आपका लेवल क्या रहने वाला है। तो आपको तो हार बिल्कुल नहीं माननी है, बस अपनी तैयारी रेगुलर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, थ्योरी क्लियर कर लीजिए। थ्योरी क्लियर हो गई है तो आप बहुत अधिक से अधिक जो है रिवीजन करने का प्रयास करिए और अपने मेन सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाइए, ठीक है। जब आपका मेन सब्जेक्ट अच्छा होगा तो आपको फिर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की पूछ ली जाती हैं। अब कई अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सी बुक्स अच्छी होगी, तो आपको बता दें कोई एक बुक ऐसी नहीं होती है कि आप उसको पढ़ लिया, रट लिया और फिर आप उससे सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि ऐसी कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम की एकमात्र ऐसी बुक नहीं मिलेगी आपको जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। क्योंकि जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर उनके पास कई बुक्स होती हैं, ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, NCERT तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, और वो लंबे अरसे से तैयारी करते रहते हैं तो उनके पास ज्ञान का भंडार हो जाता है और फिर वो किसी भी एग्ज़ाम को यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यही तरीका आपको अपनाना है, किसी एक बुक डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है।
आप अच्छे से अच्छी जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी जो बुक्स हैं आपकी, या एमपी बोर्ड की जो पुरानी पुस्तकें होती हैं जो पहले चलती थी, उनको यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और आपकी थ्योरी वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो अब आपको ये नहीं सोचना कि आपका जो नोटिफिकेशन नहीं आया है या फिर आपका जो नोटिफिकेशन कब आएगा, कब एग्ज़ाम हो। एक बार यदि नोटिफिकेशन आ गया तो फिर यकीन मानना आपके पास में बहुत ही कम समय बचेगा और बहुत ही हड़बड़ाहट टाइप की हो जाती है कि अब क्या करें हम। मतलब नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिल हो गए, अब हमारा एग्ज़ाम है, तो जल्दबाजी में हम जो चीज़ पढ़ना चाहते वो भी छूट जाती है। तो अभी भी आपके पास में समय है, अच्छी तैयारी करिए और कंटिन्यू अपनी तैयारी पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी पात्रता परीक्षा हो चुकी है। चयन परीक्षा का यहाँ पर शेड्यूल भी बता दिया गया है, तो अगस्त में ना सही, सितंबर में तो होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। तो आपके लिए 15 दिन और समय मिल रहा है, तो इसमें आप बहुत अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, तो ठीक है। और यदि आप महिला सुपरवाइज़र या वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्लास जल्द ही स्टार्ट करेंगे। और साइंस की क्लासेस यदि आप वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की देखना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों की क्लासेस आपकी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।